हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाला फोटो एडिटिंग के बारे में। तो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसके लिए आप लोग को दो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। पहला का नाम है ऑटोडेस्क स्केच बुक और दूसरा का नाम है पिक्स आर्ट। तो आप लोग दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, ऐप का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को ऑटोडेस्क में ये फ़ोटो शेयर कर लेना, मैं ये शेयर कर चुका हूँ। उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पर ब्रश चूज़ कर लेना है। ब्रश का नाम है स्मूलेज, आप लोग को यहाँ पे देख लो शो कर रहा हूँ मैं। स्मूलेज में क्लिक करने के बाद आप लोग को राइट साइड में क्लिक करना है सेटिंग में। सेटिंग में क्लिक करने के बाद आप लोग को ये फ्लो है, साइज नहीं फ्लो, उसके नीचे वाला को 3 कर लेना है और फिर स्ट्रेंथ को 6। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ ब्रश में क्लिक करके अगर राइट साइड करते हो तो आप लोग का ये ब्रश का साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और फिर अगर लेफ्ट साइड करते हो तो इसका साइज थोड़ा कम हो जाएगा। और मैं अब इसे ब्रश करना स्टार्ट कर चुका हूँ, आप लोग देख लो। आप लोग को भी इसी तरह धीरे धीरे स्मूथ कर लेना है स्किन को। जैसे कि ये फ़ोटो नाइट का है तो मैं इसे थोड़ा मतलब कि स्मूथ अच्छा से करके डे टाइप का बनाने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना गाइस। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलो गाइस, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं।
देख सकते हो गाइस ये लगभग हो चुका है। अब थोड़ा सा ही बाकी है तो मैं इसे भी धीरे धीरे फिंगर्स को कंप्लीट कर लेता हूँ धीरे धीरे स्मूथ करके। याद रहे गाइस आप लोग को यहाँ पे नेल्स में थोड़ा सा कम ही करना है ताकि नेल्स अच्छा से दिखे, नहीं तो फिर नेल्स का जो रहता है ना साइन वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है और अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग को लास्ट में एक बार चेक करा देना कहीं मिस्टेक ना हो जाए। आप लोग को ऊपर में सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, उसके बाद शेयर करके आप लोग को सेव टू डिवाइस कर लेना है। सेव टू डिवाइस में क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे सेव कर लो इस फोटो को। सेव करने के बाद आप लोग ये गैलरी ओपन कर लो। गैलरी ओपन करने के बाद आप लोग ये फोटो देख सकते हैं कैसा बन चुका है। अब इसे मैं पिक्सआर्ट में शेयर कर देता हूँ। पिक्सआर्ट में शेयर करने के बाद आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़ा ओपन हो रहा है। ओपन हो जाने के बाद आप लोग को टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद आप लोग को कर्व का एक ऑप्शन है उससे यूज़ करना है। कर्व का ऑप्शन आप लोग को क्लिक करने के बाद आप लोग को मिडिल से लेकर के थोड़ा सा इसे ऊपर कर देना है। आप लोग यहाँ पे अपने मुताबिक ऊपर कर लो। आप लोग ये मत सोचना कि ये मैं सिर्फ इसका लाइट बढ़ा रहा हूँ, इससे मैं ये फेस जो गोरा करूँगा उसके बाद फिर थोड़ा सा इसे अच्छा इफेक्ट डालूँगा। तो चलो गाइस मैं इसे करके आप लोग को दिखाता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनवर्ट में क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करके धीरे धीरे से यहाँ पे चूज़ कर लेना है ताकि ज़्यादा मतलब कि स्किन वाला आप लोग को यहाँ पे चूज़ करना है। स्किन के अलावा आप लोग अगर दूसरा चीज़ चूज़ करते मेरा मतलब कि टी शर्ट ये सब, जैसे कि यहाँ पे टी शर्ट को अगर मैं चूज़ करता तो वो थोड़ा सा अच्छा से नहीं होगा। और फेस का अगर आप लोग यहाँ पे बाल चूज़ करना चाहते हो मेरा मतलब कि आईब्रो, तो आप लोग थोड़ा सा उसे चूज़ कर सकते हो ताकि वो अच्छा इसमें इफ़ेक्ट आ सके। तो चलो गाइस मैं ये वीडियो को भी थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो थोड़ा सा इसमें भी अब बचा हुआ है गाइस, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद चूज़ करने के बाद आप लोग को जो ऊपर में सही का ऑप्शन दिख रहा है करेक्ट का ऑप्शन आप लोग को वहाँ पे चूज़ कर लेना। चूज़ करने के बाद आप लोग इसे थोड़ा डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हो अपने मुताबिक, मतलब आपका फ़ोटो जिस सीन में है अगर ज़्यादा डार्क मोड ज़्यादा डार्क दिख रहा है तो आप लोग इसे थोड़ा ज़्यादा बढ़ा सकते हो, या तो कम डार्क है फ़ोटो या लाइट ज़्यादा है तो आप लोग इसे डिक्रीज भी कर सकते हो। तो देख सकते हो गाइस मैं यहाँ पे आप लोग को बिफोर आफ्टर दिखा रहा हूँ। उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे ड्रो टूल्स में चले जाना है। ड्रो टूल्स में आप लोग को जाने के बाद इस फोटो को थ्री डॉट में क्लिक करके सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप लोग को गैलरी ओपन कर लेना है। गैलरी ओपन करने के बाद आप लोग को उसी पिक्सआर्ट का जो फोल्डर है उसमें चले जाना है। पिक्सआर्ट के फोल्डर में जाने के बाद आप लोग को
इसे लाइटरूम में शेयर कर लेना है। लाइटरूम में मैं इसे शेयर कर लेता हूँ, मतलब कि लाइटरूम में ऐड कर लेना आप लोग को इस फ़ोटो को। यह फ़ोटो लाइटरूम में ऐड करने के बाद आप लोग को लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करने के बाद ये फ़ोटो आप लोग को चूज़ कर लेना है। फ़ोटो में देख सकते हो यहाँ पे चूज़ कर चुका हूँ। फ़ोटो चूज़ करने के बाद आप लोग को इसका एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा देना है। देख सकते हो मैंने एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा लिया। फिर आप लोग को कॉन्स्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। फिर हाइलाइट्स को आप लोग को थोड़ा सा डिक्रीज कर लेना है। देख लो यहाँ पे हाइलाइट्स बढ़ाने से कैसा हो जाता है, इसलिए डिक्रीज कर लेना है। शेडो थोड़ा सा बढ़ा देना है। उसके बाद फिर आप लोग को ये दो सेटिंग अपने मुताबिक कर लेना है, आप लोग को जैसा करने जाओ वैसा। उसके बाद फिर आप लोग को नेक्स्ट वाले ऑप्शन में आ जाना है, कलर ऑप्शन में। कलर ऑप्शन में आने के बाद आप लोग को थोड़ा सा टिंट को बढ़ा लेना है। उसके बाद फिर आप लोग को नेक्स्ट ऑप्शन में आना है और यहाँ पे टेक्सचर को थोड़ा सा आप लोग को बढ़ा लेना है हल्का सा पूरा। उसके बाद फिर क्लैरिटी भी आप लोग अपने मुताबिक से यहाँ पे बढ़ा लो। देख सकते हो मैं यहाँ पे बढ़ा ले रहा हूँ। इसी तरह आप लोग को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है क्लैरिटी। उसके बाद फिर वेगेशन जो भी ये है उसे आप लोग को थोड़ा सा डिक्रीज कर देना है, ताकि आप लोग का फ़ोटो थोड़ा लुक इसका अट्रैक्टिव लगे। उसके बाद ग्रेन अमाउंट को आप लोग को हल्का सा इंक्रीज करना है पूरा हल्का सा। उसके बाद फिर आप लोग को नीचे में जो ऑप्शन है यहाँ पे उसे थोड़ा सा आप लोग को बढ़ा देना। उसके बाद फिर आप लोग को उसका नेक्स्ट ऑप्शन है, उसके आगे वाले ऑप्शन टूल्स, उससे आप लोग को चूज़ कर लेना है। उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे कलर नॉइस ये सब को आप लोग को थोड़ा सा अपने मुताबिक से एडजस्ट कर लेना है। देख लो मैं जैसे एडजस्ट कर दिया। उसके बाद फिर से आप लोग को कलर ऑप्शन में आना है। कलर ऑप्शन में आने के बाद आप लोग को मिक्स वाले ऑप्शन में आना है। मिक्स वाले ऑप्शन में आने के बाद आप लोग को ग्रीन वाला को थोड़ा सा डिक्रीज करना है। उसके बाद फिर नीचे में जो ऑप्शन है सेचुरेशन, उसे भी डिक्रीज करना है। और जो सबसे लास्ट ऑप्शन है उसे आप लोग को थोड़ा सा डिक्रीज कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो मैं इसे डिक्रीज इंक्रीज कर लेता हूँ जैसा, तो वैसा हो रहा है। मतलब कि ये जो ग्रीन कलर का यहाँ पे जो ग्रास है यानी कि घास, वो मैं यहाँ पे अच्छा से उससे इफ़ेक्ट दे रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हो ये फ़ोटो लगभग हो चुका है। मैं इसे आप लोग को दिखा देता हूँ बिफ़ोर आफ्टर। तो देख सकते हो पहले मेरा कैसा था और अब कैसा हो चुका है। तो आप इसे फ़ोटो को सेव कर लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम ले रहा है यहाँ पे सेविंग होने में। तो इस जब तक सेविंग होता है मैं आप लोग को फिर से बोल देता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग ज़रूर से लाइक कर लेना। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो गाइस, मैं आप लोग को एक बार फिर से गैलरी रीओपन करके मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि ये फ़ोटो कैसा बन चुका है। तो मैं अभी यहाँ पे गैलरी आप लोग को ओपन करके दिखा रहा हूँ कि ये फ़ोटो कैसा बना है। तो यहाँ पे मैं लाइटरूम वाले फोल्डर में आ जाता हूँ। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे क्वालिटी इसका पहले से थोड़ा ज़्यादा बेटर हो चुका है। अगर आप लोग को ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन्स को भी प्रेस कर लेना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।